दोस्तों, बच्चे दुनिया की एक ऐसी अजीब व गरीब मखलूक हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मासूमियत इन बच्चों की पहचान है, लेकिन सच पूछें तो इनके करतूत देखकर शैतान भी अपने कानों को हाथ लगाता होगा। और ये चीज़ बिल्कुल मैंने आज महसूस की और मैं इस एक्सपीरियंस से गुज़रा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि गाँव के कुछ मेरे दोस्त जो बच्चा पार्टी वाले थे, उनके साथ मैंने सफ़र किया और उसके बाद मैंने महसूस किया कि अल्लाह की पनाह ऐसी मखलूक से, और इनकी जो करतूतें होती हैं ना, वो अल्लाह माफ़ करे। तो काफ़ी इंजॉय कर देने वाला और थका देने वाला सफ़र था। उसमें कुछ मैंने वीडियोस कैप्चर किए हैं। वीडियोस के दौरान भी इन लोगों ने अपनी शरारतें वो उसी तरह बरकरार रखी हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सच पूछें तो इनके साथ सफ़र करने में अपना ही एक लुत्फ़ है। और इस जगह की गांव की खूबसूरती आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव में, और गांव में पहुँच चुका हूँ और आज ये मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो में सीन कुछ इस तरह का है कि मेरे साथ ये मेरे दोस्त मौजूद हैं और हैं ये काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन सीन कुछ इस तरह का है कि इन लोगों के साथ हम लोगों ने जाना है। और हम लोगों ने क्या करना है कि अपने गाँव में हमारी बर्फ़ खत्म हो गई है, वो बाद में लगेगी, यानी कि अभी यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर पहाड़ पर हम लोगों ने जाना है और वहाँ पर हम लोगों ने ना बर्फ़ वगैरह इकट्ठी करनी है और थोड़ी बर्फ़ देखनी भी है। फर्स्ट वीडियो है गांव में मेरी, और गांव की ब्यूटी भी आप लोगों को दिखानी है। ये लोग हैं बड़े शैतान हैं, शरारती हैं, लेकिन इनके साथ जाएंगे बड़ा मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और इस जगह की खूबसूरती मैंने आपको दिखानी है। और ये बहुत मज़े की जगह है, पीछे आप देख लें पहाड़ों पर कैमरे को, अगर आप इधर ले आएँ कैमरा, ये सामने अगर आप देखें तो पहाड़ हैं, यानी कि बर्फ़ वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ, ये सामने पहाड़ों पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही है और इस साइड पे ये पूरे ये आज़ाद कश्मीर वाले जो पहाड़ी सिलसिला है वो है, और यहाँ पे कहीं पे पीछे जम्मू कश्मीर भी है। और हवा चल रही है, बहुत ही मज़े का मौसम है, यानी कि आप यकीनन आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने आप लोग इंशाल्लाह अच्छा जी, बर्फ़ शुरू हो गई है यहाँ से, यानी कि थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी आपको। और मतलब ये कि फुल काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी हद तक यहाँ से उसके आसार आना शुरू नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से ठंड भी शुरू हो गई और बर्फ़ भी, जगह भी बड़े मज़े की है। बच्चा पार्टी भी अपना फुल इंजॉय कर रही है यहाँ से। मुझे जो है ना पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पे कितनी वीडियोस बनाऊँ, हर चीज़ यहाँ पे अमेजिंग है, हर चीज़ यूनिक है। इस टाइम आप देख लें ये पीछे हवा चल रही है, और आपको मतलब ये कि आप फील भी कर सकते, आवाज़ भी आ रही होगी आपको हवा की। और हम लोग यहाँ पे ज़रा चिल करने आए हुए हैं, घूमने फिरने, वीडियोज़ वगैरह भी बनानी थी। हवा चल रही है, हवा के साथ साथ ये पीछे आप देख लें पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। पहुँचाए हम लोग बर्फ़ के करीब और यहाँ से ऊपर भाई हिम्मत नहीं है जाने की, और बच्चे लोग भी थक गए। हाँ, ये रही बर्फ़, यहाँ से ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है
और ये यानी कि शुरुआत है, यहाँ से ही हम लोग थोड़ी बहुत क्या कहते हैं ना कि बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और फिर ये नीचे देखने जगह भी बड़ी ख़तरनाक है, वापस जाना है। और अच्छी खासी बर्फ़ है यहाँ पे भी। नहीं ओए 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 बचायो यार, मिकी बचायो, क्यों गियो? ये हो जाएगा रुड़ भी। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़प शुरू होगी। और शदीद किस्म की जंग जारी है बॉर्डर पे। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं बॉर्डर से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। आप नारे, ये गई भाई, गई 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 गई। अच्छा जी, बर्फ़ के करीब मैं पहुंच चुका हूं और सीन कुछ इस तरह का है कि जो मेरे साथ बच्चे लोग आए थे, इन्होंने बगावत कर दी है मेरे साथ। बगावत इस तरह से की है, वो ये इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। एक ये रहा, एक बंदा वो रहा। तो सीन कुछ इस तरह का है कि आप देखते हैं कि इनसे यहाँ पे कैसे बचत होगी। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। यार स्लो स्लो आता है। ये कुछ अलग उला था और यही बस थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट होती है लाइफ में, शोर मेला लगे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, हाथ वगैरह देखने सुनोगे। और झड़पें हमारी काफ़ी टाइम से वैसे जारी हैं, लेकिन ये कि इन्हें कैप्चर मैंने अभी, मैंने कहा चले इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। कोई ड्रामा नहीं था, आखिरी क्लिप था जो कि झड़प वाला हो गया। तो ये रही हमारे मेरे गाँव की खूबसूरती, और यकीनन गाँव जिसका भी, हमारा पूरा पाकिस्तानी खूबसूरत है, हर जगह इस मुल्क की खूबसूरत है। तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहिएगा।